कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं आलू दम बनाने जा रहा हूँ। मिनी आलू का, छोटी वाली जो आलू होती है उसको मैंने उबाल लिए हैं, एक सीटी दिलवा करके। आप भी उबाल ले इसे। मैं ऐसे, आप इस फॉक की भी सहायता ले सकते हैं। इस तरह से इसे पूरी आलू को इसी तरह से भाप ले। मैंने पहले से भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इधर देखिए, मैंने प्याज, दो प्याज लिए हैं। एक को मैंने स्लाइस के रूप में कट किया है, किस तरह से हाफ हाफ करके कट किया। लहसुन, काली मिर्च, जीरा, अदरक लिए हैं। इधर तड़के के लिए लिए हैं दो मिर्च, जीरा, कुल मिला करके एक चम्मच के लगभग जीरा दो तेज पत्ता है। इधर मैंने तेल गरम कर चुके हैं। इसमें मैं आलू को सबसे पहले फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने प्याज जो मैंने बताया था आपको, लहसुन अदरक डाल करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिए हैं। पाँच, छः से पाँच आठ लगभग आप इसमें काली मिर्च डाल दें, सात आठ आप लहसुन की कलियाँ भी इसमें ऐड कर लें। जो मैंने इंग्रीडियंट्स बताया था उसी के अनुसार आप रखें। और आधी चम्मच के लगभग मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किए हैं। इन सबको मिक्स कर लूँगी। सूखी मिर्च मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें। इस तरह से इसको भूनने के लिए रख दे। आप देख सकते हैं, इधर मैंने आलू को भी फ्राई कर चुकी हूँ। देख सकते हैं इस तरह से गुलाबी होने तक देखिए कलर कितना अच्छा इसका चेंज हो रहा है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और जो तेल बचेगा उसी तेल में मैं इन इन्ग्रीडियंट्स को डालूँगी। आप देख सकते हैं, मैंने आलू को फ्राई कर लिए हैं। इसी कलर में आप भी फ्राई कर लें। इधर मैंने उसी तेल में जीरा, तेज पत्ता और मिर्च डाल करके इसको तड़कने दिया है। अब मैं इसमें कटे हुए जो प्याज के छोटे इसको मैं भूनूंगी गुलाबी होने तक। भून चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करके मिर्च डाल दें, क्योंकि मैंने दो मिर्च पहले से ही यूज किए हैं। इसमें आप एक चम्मच के लगभग नमक ऐड कर लें। नमक ऐड कर दें एक चम्मच के लगभग, ये नमक है आप खाने वाली स्पून से मैंने नमक लिए हैं। अब आप इसमें गरम मसाला ऐड कर ले, और आप जैसा ग्रेवी रखना चाहे, पतला रखना चाहे तो एक गिलास डालें। ये मैंने पानी आप लोग को बताए थे कि इतना ही गरम मसाला ऐड कर ले। सबको मिक्स करें। देखिए तैयार हो चुका है। आप इसी तरह बिल्कुल दो से तीन मिनट के लगभग लगते हैं, बहुत जल्दी बन भी जाता है। इसे पूरी पराठे छोले के साथ, पूरी पराठे के साथ आप इसे इंजॉय करें। कैसा लगा वीडियो, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।